हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मंथन पे। भाई आज ना मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंपैरिजन लेके आया हूँ, दोनों मोबाइल ही ऐसे हैं ना भाई, मतलब दोनों ही मोबाइल अपने लेवल पे बेस्ट है, दोनों सक्सेसफुल मोबाइल है, दोनों का रोल आ रहा है, मतलब रुक कर रहा है पूरा जब ये लॉन्च हुए थे। कौन कौन से मोबाइल हैं देखो, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। एक तरफ जहाँ है वन प्लस का वन प्लस नोट सी फोर, वहीं दूसरी तरफ है भाई नथिंग का फोन, नथिंग फोन 2A, और दोनों ही मोबाइल 25,000 रुपये के अंडर में आते हैं। तो भाई आज की वीडियो में ना इन्हीं दोनों मोबाइलों का कंपैरिजन करने वाले हैं, देखेंगे दोनों में से कौन सा बढ़िया है, मतलब किसकी डिस्प्ले बढ़िया है, किसका प्रोसेसर बढ़िया है, किसका कैमरा बढ़िया है। तो डिटेल में बात करेंगे भाई इन दोनों मोबाइलों की आज की वीडियो में। तो वीडियो को ना बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोनों के वेरिएंट की, जहाँ वन प्लस नोट सी फोर में इन लोगों ने 8GB 128GB और 8GB 256GB का वेरिएंट दिया है, वहीं नथिंग में इन लोगों ने दिया 8GB 128GB और 12GB 256GB। मतलब वन प्लस में सिर्फ 8GB का ऑप्शन मिलता है, वहीं नथिंग में मिल जाता है 12GB और 8GB का ऑप्शन। और बात करूँ अगर दोनों की डिस्प्ले की, तो दोनों ही मोबाइल में 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, दोनों में ही 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बात करूँ अगर दोनों के प्रोसेसर की, तो भाई प्रोसेसर में तो अंतर है, जहाँ एक में मिल रहा है Qualcomm Snapdragon, वहीं दूसरे में मिल रहा है भाई MediaTek Dimensity। तो बात करूँ अगर मैं वन प्लस की, तो वन प्लस में इन लोगों ने दिया Qualcomm Snapdragon का 7th Gen 3 का प्रोसेसर, जो कि एक 4nm बेस्ड प्रोसेसर है। इसके अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो भाई 8.5 लाख के आसपास का इसका अंतुतु स्कोर आता है, जो मैं कहूँगा ना इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा है भाई, परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत बढ़िया है, मतलब मल्टीटास्किंग और गेमिंग के हिसाब से तो इसको बढ़िया कहूँगा भाई मैं। वही बात करूँ मैं नथिंग की, तो नथिंग में इन लोगों ने दिया MediaTek Dimensity का 7200 प्रो का प्रोसेसर, 7200 प्रो का प्रोसेसर, ये भी एक 4nm बेस्ड प्रोसेसर है। बात करूँ इसके अंतुतु स्कोर की, तो भाई इसका अंतुतु स्कोर आता है 7 लाख के आसपास, 7 लाख प्लस ही आता है थोड़ा बहुत। तो देखो प्रोसेसर ये भी खराब नहीं है, ये भी बढ़िया है भाई, मल्टीटास्किंग के लिए गेमिंग के लिए प्रोसेसर इसका भी बढ़िया है। बट अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ मैं कहूँगा वन प्लस का प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, एक तो Qualcomm Snapdragon, ऊपर से भाई 7th Gen 3। और बात करूँ अगर दोनों के कैमरे की, तो दोनों में रियर में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो मेन कैमरा है दोनों का वो है भाई 50MP का, जो कि OIS के साथ आता है। बात करूँ सेकेंडरी कैमरे की, तो जहाँ वन प्लस में सेकेंडरी कैमरा दिया है 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, वहीं नथिंग में मिल जाता है भाई सेकेंडरी कैमरा भी 50MP का, मतलब नथिंग में दोनों 50+50MP कैमरे मिल जाते हैं रियर में, वहीं वन प्लस में 50+8MP कैमरे मिल जाते हैं। जहाँ वन प्लस में फ्रंट कैमरा दिया इन लोगों ने 16MP का, वहीं नथिंग में मिल जाता है 32MP का फ्रंट कैमरा। दोनों ही मोबाइल से रियर कैमरे से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा तो देखो दोनों का बढ़िया है, बेकार तो मैं किसी का भी नहीं कहूँगा, एवरेज से थोड़ा सा अच्छा ही कहूँगा दोनों का कैमरा। बट अगर दोनों को कंपेयर ही करना है, तो यहाँ मैं कहूँगा कैमरा तो भाई देखो वन प्लस है, वन प्लस के सामने तो नथिंग वथिंग का कैमरा कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि कैमरे दोनों के बढ़िया हैं भाई। बात करूँ अगर मैं दोनों के UI की, तो भाई वन प्लस में इन लोगों ने इनका अपना ऑक्सीजन OS 14 मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। वहीं बात करूँ नथिंग की, तो नथिंग में इनका अपना नथिंग OS 2.5 मिल जाता है, तो ये भी एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। बात करूँ अगर मैं दोनों के अपडेट्स की, तो जहाँ वन प्लस ने कहा है 2 साल तक तो वे मेजर अपडेट देंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देंगे, मतलब वन प्लस में 15 मिल जाएगा और 16 मिल जाएगा। वहीं बात करूँ मैं नथिंग की, तो भाई नथिंग ने कहा है 3 साल तक तो ये मेजर अपडेट देंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देंगे, मतलब 14 मिल रहा है अभी, 15, 16 और 17 तक एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा इसमें, वही 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। सैमसंग के बाद मैं कहूंगा भाई सबसे ज्यादा अपडेट देने वाला फोन यही है एंड्रॉइड में नथिंग। बात करूँ अगर मैं दोनों की बैटरी की, तो भाई वन प्लस में इन लोगों ने दी है 5500mAh की बड़ी बैटरी, वहीं नथिंग में मिल जाती 5000mAh की बैटरी। और चार्जर की बात करूँ, तो भाई वन प्लस में इन लोगों ने बॉक्स में ही चार्जर दिया है इसका 100W का, ये अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा 1000-1500 रुपये तो आपके ही बच जाएंगे। वहीं बात करूँ नथिंग की, तो भाई नथिंग में चार्जर नहीं मिलता है बॉक्स में, बाहर से खरीदना पड़ेगा। और ये मोबाइल जो सपोर्ट करता है वो करता है 45W की फास्ट चार्जिंग को। दोनों ही मोबाइल IP54 की सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, दोनों ही मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, दोनों ही मोबाइल में फेस अनलॉक मिल जाता है। जहाँ वन प्लस में आप लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, मतलब या तो 2 सिम डाल सकते हो या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, वहीं नथिंग में सिर्फ 2 सिम का स्लॉट दिया है इन लोगों ने, मतलब इसकी मेमोरी का आप लोग नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ 2 सिम डाल सकते हो। दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, जहां वन प्लस में ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, वहीं नथिंग में मिल जाता है ब्लूटूथ 5.3। वहीं बात करूँ अगर मैं दोनों के प्राइस की, तो भाई जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है वो कॉमन है दोनों में, तो वन प्लस का जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 24,999 रुपये, मतलब की 25,000 रुपये। वहीं नथिंग का जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस इन लोगों ने दिया 23,999 रुपये, मतलब 24,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का डिफरेंस है भाई, नथिंग 1,000 रुपये सस्ता है। बट भाई देखो वही चार्जर की बात आ जाती है, वन प्लस में चार्जर मिल जाता है, नथिंग में चार्जर नहीं मिलता है। तो 1,000 रुपये अगर ये सस्ता दे भी रहे नथिंग वाले, तो अगर हम लोग बाहर से चार्जर भी खरीदेंगे 1,000-1500 रुपये का, तो चार्जर भी आएगा।
तो ऑलमोस्ट बराबर ही कहूँगा मैं दोनों मोबाइलों के। बट भाई इन दोनों में से अच्छा कौन सा है देखो, अगर आप लोग को जाना है तो सबसे पहली बात तो डिज़ाइन भाई। अगर आप लोग को एक बढ़िया सा फंकी सा स्टाइलिश सा फ़ोन चाहिए तो मैं कहूँगा आप लोग यहाँ जा सकते हो नथिंग के ऊपर। डिस्प्ले दोनों में कॉमन ही है भाई, डिस्प्ले में तो कोई अच्छा बुरा नहीं कह सकते इन दोनों। प्रोसेसर भी दोनों के बढ़िया हैं, बट आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया चाहिए तो आप लोग वन प्लस पे जा सकते हो। कैमरे दोनों के बढ़िया हैं, वही मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर 19-20 का फर्क है बस, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप लोग वन प्लस पे जा सकते हो। अपडेट्स नथिंग में ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, तो नथिंग पे आप जा सकते हो अगर आप लोगों को 3-4 साल तक अपडेट चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों बढ़िया मोबाइल हैं। बट भाई देखो मैं पर्सनल लाइफ बताऊँगा अगर आप लोगों को, तो मुझे नोट सीरीज पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है वन प्लस की। तो अगर आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा देखो मुझे तो एक तो स्टाइलिश सा फ़ोन चाहिए इन दोनों में से, क्योंकि वन प्लस का एक सिंपल सा नॉर्मल फ़ोन है बिल्कुल, कुछ मैं कहूँगा कोई हटके नहीं है, जबकि नथिंग का फ़ोन भाई बिल्कुल देखने में यूनिक लगता है। तो मैं अगर आप लोग को बताऊँ अपनी पर्सनल लाइफ, तो यहाँ मैं जाना पसंद करूँगा भाई नथिंग फ़ोन 2A के ऊपर। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोग को वीडियो, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।